शुभांशी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्वागत है आपका जिद्दी टॉक्स पे माय एफएम पर। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन शुरू किए जाए। यस। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैक्सिमम पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि स्पॉइल्ड किड जो होता है या एक पैम्पर्ड किड जो होता है, दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन होती है, लेकिन उसको कई बार हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और कई बार नहीं भी कर पाते। कैसे आइडेंटिफाई करें पहली चीज, और अगर ये है तो कैसे उसको स्टॉप करें? जी, सो अनुशासन और यू नो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन डिसिप्लिन एंड रूल्स, राइट? सो वो पेरेंट्स को बहुत, आपने बहुत अच्छे से कहा कि उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। और जब मैंने एक इंटरव्यू किया था, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार्स, एंड्रे एगसी, जो यू नो ही इज 8-time ग्रैंड स्लैम विनर, और उन्होंने मुझे एक बात बताई थी विच इज रूल्स विदाउट रिलेशनशिप इज रिबेलियन। अगर आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा चालू रखेंगे, तो और वो रिलेशनशिप जब बन जाएगा ना, दोज रूल्स विल नॉट सीम लाइक रूल्स, दे विल जस्ट सीम लाइक यू नो दिस इज अ नॉर्मल फॉर आवर फैमिली। मतलब यू नो जैसे कई बार होता है कि उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया, मेरे पेरेंट्स ने क्यों नहीं अलाउ किया, या फिर मैं क्यों नहीं ये अपने टाइम से कर सकता हूँ, या यू नो एनी काइंड ऑफ ये आपका घर है तो क्या, मैं क्यों नहीं कर सकता, यू नो लाइक लॉट ऑफ पेरेंट्स विल से कि ये मेरा घर है, मेरे तो यही रूल्स चलेंगे। बट यू नो पिक एंड चूज योर बैटल्स, और ये मुझे अपने पीडियाट्रिशियन ने बहुत पहले यू नो लाइक व्हेन माय किड्स वर लाइक रियली यंग, उन्होंने कहा था कि हर जंग आप नहीं जीत पाओगे, चूज के आपको कौन सी जंग जीतनी है, बिकॉज पेरेंटिंग इज नॉट ऑल ओनली अबाउट के यू नो दिस माई वे और द हाईवे, मेरी बात सुनो वरना जाओ। इट इज अबाउट ऑल्सो टैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग के ये जो ये जो अपोनेंट है इससे कैसे जीता जाए। सो इट्स अ लॉट ऑफ माइंड गेम एंड यू हैव टू जस्ट बिलीव दैट यू आर गोइंग टू विन इट। तो अगर कुछ रूल्स में आपको बैंड करना है कि नहीं ये ठीक है, जैसे मेरे घर में रूल्स है, एंड आई ऑलवेज से दिस टू पेरेंट्स, यू डिफाइन वॉट इज नॉर्मल फॉर योर फैमिली, राइट? जैसे मेरे घर में रूल्स है कि you know you have to respect everybody, फिर वो घर में काम करने वाला हो या ड्राइवर हो या कोई भी वर्क का इंसान हो, उसको रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए, दैट्स अ ह्यूमन राइट, राइट? वी विल ईट फूड एट दिस टाइम, अदरवाइज किचन क्लोज्ड, ओके? और यू विल डू योर वर्क फर्स्ट एंड प्ले लेटर, फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं, जस्ट फिनिश योर वर्क एंड देन यू आर डन। बट दिस इज द नॉर्मल ऑफ माई फैमिली। आपके घर का नॉर्मल क्या है कि आपके घर में रूल्स होंगे, लाइक यू नो मे बी वैल्यू सिस्टम इज नॉन नेगोशिएबल, कि इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकता, मतलब ये रूल फॉलो करना ही है, फिर आप दूसरे सब रूल्स, सो यू पिक एंड चूज विच रूल यू वांट टू कीप एंड विच थोड़ा सा आप बेंड कर सकते हो, right. So आपको थोड़ा सा यू नो ट्रीट योर किड्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, लाइक अ पजल दैट यू नीड टू सॉल्व और अ वीडियो गेम दैट यू नीड टू प्ले, यू विल फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ सोल्यूशन। एंड आई ऑल्सो थिंक पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ अस टुडे एज ह्यूमन बींग्स, वी लिसन टू रिएक्ट, राइट? We don't listen to listen. Because हमारा first, अगर मानो आपके बच्चों ने आपको बोल दिया नहीं मैं ये नहीं करूंगा, अरे क्यों नहीं करोगे, तुम मेरी बात मानेगी? But at least listen. बच्चे बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं। लाइक जब मेरे लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती है ना, द फर्स्ट पर्सन आई गो टू इज माई डॉटर, बिकॉज उनके पास उतने चॉइसेस नहीं होते हैं, सो वो बहुत आसानी से प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। एज ह्यूमन बींग्स और एज अडल्ट, हमारे पास प्रॉब्लम कब आता है आपको? जब आपके पास चॉइसेस है। जब चॉइसेस कम हो जाए ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स, मतलब यू विल गेट योर सोल्यूशन, सो देयरफॉर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर। I don't know if I answer your question. Yes, completely. So, next question पर बढ़ते हैं, जो मेरे ख्याल से बड़ा important है। Teen age में पहुंचकर बच्चे अपना space ढूंढते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये my space है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो क्या जरूरी है ये space provide कराना, और ये सही भी है या नहीं? कितना important है? So, I think everybody, हर इंसान को अपनी space चाहिए। Like example, मेरे लिए अगर मैं सुबह वो एक घंटा यू नो बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग थ्रू द डे, आई एम ऑल्सो अ मदर, आई एम ऑल्सो अ सिस्टर, आई एम प्लेइंग सो मेनी डिफरेंट रोल्स, अगर मुझे वो सुबह का एक घंटा अपने आप नहीं मिलता है जहाँ पे यू नो आई एम ईदर रनिंग और आई एम डूइंग योगा और आई एम डूइंग समथिंग, यू नो आई एम वेरी क्रैंकी, लाइक पूरे घर को पता चला है आज कारगिल वॉर होने वाला है, लाइक इट्स लिटरली लाइक दैट, बिकॉज शी इज नॉट गॉट हर टाइम। सो एवरीबडी नीड्स अ टाइम, बिकॉज वी ऑल नीड डाउन टाइम। सोचो आप अगर घर पे आ गए यू नो एंड सबरी से अरे ये भी कर लो, अरे ये भी कर लो, अरे इसके पहले कपड़े चेंज करो, ये कर,
you know, we as parents are becoming like rule books. But true. The fact is that parenting has no rule book, right? So I would say every individual needs a space. It doesn't need to be only your children, mm-hmm. right? And especially teenagers, they are going through so many changes. Unke life mein kitne sare badlav aa rahe hain, wo kis kin complexities ke saath bade ho rahe hain. Aur hum hamesha mante hain ki nahi, mere time mein to nahi hua tha, to matlab, you know, uske wo aise kaise baat kar sakta hai. Par aapka zamana alag tha, and I think as parents we need to accept that. Mm-hmm. Like I would, you know, like kabhi kabhi main apne my daughter keeps sharpening the pencil. Okay. वो तो मतलब इतनी expensive pencil है, वो sharpen करके इतनी सी हो गई एक हफ्ते में, and I'm like, you know, हमारे time में तो pencils ऐसी होती थी, you know, like हम लोग एक pencil इतना संभाल के use करते थे. But मैंने आज उसको ला के भी तो दी है ना 200 rupees की pencil, तो गलत वो है या मैं? So my point is very simple कि आप मत सोचिए ऐसे कि वो क्यों, you know, like why does the child needs their space. फिर ऐसा नहीं, और फिर उसको बताइए आपका स्पेस हो गया, नाउ इट्स फैमिली टाइम, वी आर ऑल सिटिंग फॉर डिनर, व्हाई डोंट यू कम आउट, बिकॉज अगेन डिनर इज अ टाइम कि जब हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं, वी विल ऑल सिट टुगेदर एंड यू ऑलरेडी गॉट योर स्पेस, राइट? सो दैट्स व्हाई आई कम बैक टू द सेम थिंग दैट इफ यू एक्सप्लेन, अपने बच्चों के साथ बात करेंगे, रीजन करेंगे, वो इरेशनल अनरीजनेबल लोग नहीं है, यू नो. और जितना आप उनको एक कोने में आप क्वेश्चन करोगे, why do you need your space? Mm-hmm. She will come up with 20 different answers why you need your space. Why do you need to, like, they will come and ask me, like yesterday I was at a party and my daughter said, why do you need to leave us and go out in the night? Mm-hmm. Because I need to go out in the night. Because I want to meet my friends. Right. I want to have an adult conversation. Mm-hmm. So why not for the child? Why are there different rules for the parents and different rules for your kids? But aisa, mere khayal se, agar bohut zyada private space require hai, jo maang rahe, toh shayad gadbad hai. वो प्राइवेट स्पेस कब ढूंढ रहे हैं जब उनके पास आपके साथ बात करने के लिए कुछ नहीं है. ओके, डज इट मेक सेंस? बिकॉज अगर इफ यू आर इंटरेस्टिंग इनफ दे विल वांट टू टॉक टू यू, इफ यू आर देयर फ्रेंड दे विल वांट टू टॉक टू यू. आपने शायद, इट इज अ टाइम के पेरेंट्स अपने अंदर झांके और सोचे कि क्या मैंने अपने बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप बनाया है कि वो मेरे साथ आके टाइम स्पेंड करे. Like example, my daughter is 11 years old. I don't tell her that I am your best friend. I tell her, tum meri best friend ho. Because I share my ups and downs, highs, lows. Agar client ne achha kaam bataya ki achha ye hua, I did an interview with Kareena Kapoor, do you know today? Mm-hmm. Or something like that. She feels like I am part of her life. And she is such an important part of my life that I share my problems with her. Mm-hmm. I share my wins with her. तो शी इज ऑल्सो फेल्ट इम्पॉर्टेंट नो कि कल अगर उसकी जिंदगी में कुछ हो रहा है तो शी वॉन्ट्स टू शेयर इट विद मी. सो शायद आपने वो रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं किया है कि वो आपके साथ बताए. अदरवाइज थिंक ऑफ, आप सोचिए आपके जिंदगी में कोई ऐसा है कि अगर उसने आपको बहुत इंपॉर्टेंस दिया, वो आपका फ्रेंड है और आप उसके साथ नहीं बात करेंगे. बिल्कुल सही बात है. इंटरेस्टिंग होना इम्पोर्टेंट है. अगर आप इंटरेस्टिंग हो है, तो आपको छोड़े नहीं जाएंगे. Exactly. उनको कार्टून भी नहीं चाहिए, उनको मोबाइल भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप चाहिए. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि ये कंपेयर करते हैं कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी मम्मी तो उसको नाइट आउट के लिए अलाउ करती है, या मेरे दोस्त के पापा जो है वो इज अ काइंड ऑफ स्टड, बड़े डूड है, वो हीरो टाइप है, आप ही मुझको हर चीज के लिए मना करते हो. ये कंपैरिजन जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत रिलेशन स्पॉइल करता है बच्चों और पेरेंट के बीच में. ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है. कैसे इसको टैकल किया जाए? यू नो, दिस इज, ये बहुत ही, अगेन, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड आई डोंट अगेन थिंक कि इसका कोई सही जवाब है. बट आई वुड से कि स्टार्टिंग में ही रूल्स बहुत क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे, यू नो, देयर अदर साइड इज नॉट a girl living in America or somebody who's living in London or, you know, like a rich child, poor child. Everything is across the phone. Right. And everything jo phone ke dusre taraf hai, which is on Instagram or on Facebook or, you know, or what they're seeing is a very filtered life. So unke ambitions, unki jo, you know, ichhaye hai, they are very aspirational. Right. So don't cut it in the cord, par unko explain, agar explain karenge, because think of it, jab aap aur main school mein the, you know, there used to be always that one child जिसके पास एक cool compass box, like I know when I was in school, एक नया किस्म का compass box आया था जिसमें पानी हुआ करता था, and you know, used to play and the water would move, like I thought it was so cool, and I went back and मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मेरे पास ये compass box क्यों नहीं है, and they said because you know you is this your need, want or demand, and you know जो हमने economics में पढ़ा है, if you start explaining that to your child, it will start, you know, a pencil box, like
अ सिंपल थिंग आई विल ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल. जैसे मेरी डॉटर नो समर वेकेशंस के बाद सब बच्चे बोलते हैं कि अच्छा आप अपनी गर्मियों की छुट्टी में जाके कहाँ आए. सो वन गर्ल सेड के आई वेंट टू दुबई एंड माई डॉटर सेड के मैं तो जैसलमेर गई थी. सो दैट गर्ल सेड ओ आई सैट ऑन द कैमल. माई डॉटर सेड आई सैट ऑन द कैमल. शी इज लाइक ओ बट द दुबई कैमल्स आर वेरी कूल यू नो लाइक इट्स यू नीड अ पासपोर्ट टू गो टू दुबई. माई डॉटर सेड कैमल्स आर द सेम एवरीवेयर. सो आपके बच्चों की जिंदगी में ऐसी इतनी सारी माइलस्टोन्स आएंगे जब उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद मेरे पास इनफ नहीं है, शायद मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, शायद मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, शायद मेरे पास ये हर टाइम नए नए कपड़े नहीं है. बट अगेन उनको बचपन से ये सिखाना दैट दिस इज द नॉर्मल ऑफ आर हाउस होल्ड. इट्स नॉट कॉल्ड बींग आई एम पुअर और आई हैव लेस बट दिस इज वॉट आई नीड. इफ यू हैव 3,000 पेयर्स ऑफ शूज you cannot say to your child no I will not buy you your 25th pair of shoe. right you explain to the child ke agar gaadi ka kaam kya hai. gaadi ka kaam hai point a se point b aapko leke jana. fir wo chahe you know it's like a maruti or is a mercedes it doesn't matter because aise kai milestones aayenge aapke bachchon ki zindagi mein jab wo bolenge ki mere paas ye nahi and wo andar hi andar unko khaye ja raha hai. but The point is that आपको उनको you have to explain early on कि it's okay. Like I'm not saying always to look down. Like कई बार parents क्या करते हैं अच्छा वो देखो रस्ते पे लड़का है उसके पास खाने के लिए नहीं तुम्हारे पास खाने के लिए. That's such a wrong analogy because comparison because फिर वो बच्चा बोले but I don't want you to compare to me with somebody who's down on the road. I want to look up which is okay because this generation उनको ऊंचाइयों को छूना एंड यू डोंट वांट टू कट देयर एंबिशन. बट इफ यू एक्सप्लेन टू देम दैट इट्स ओके यू नो यू हैव दिस मे बी दैट पर्सन्स पेरेंट डज नॉट इज नॉट अवेलेबल. आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम राइट. यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी. आप मुझसे बात कर सकते हैं. उसके पेरेंट्स से शायद वो उसकी उतना बात नहीं कर सकते. उसके पास उसके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है. आपके पास अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिसके साथ आप गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं या ये करते हैं या बात करते हैं. उसके पास यू नो देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव दैट यू डोंट वैल्यू. So if you start making them realize what they can value, it will be very different. Then no matter where they go, whether they are in a, you know, whether they are in a city, country, state, it just doesn't matter. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बोलना पड़ता है करने के लिए कि पढ़ाई करने के लिए बैठो तुम परफॉर्म करो तुमको आज स्कूल में पोएम बोलना ही चाहिए सारी चीजें होती हैं. लेकिन कई बार कुछ बच्चे तो बड़े सेल्फ ड्रिवन होते हैं. उनको पढ़ाई के लिए नहीं बोलना पड़ता. उनको परफॉर्म करने के लिए बार बार एनकरेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो सेल्फ ड्रिवन अगर किसी बच्चे को अगर आप इंजेक्ट करना चाहते हैं ये कैप्सूल या दवा कैसे सेल्फ ड्रिवन बनाया जाए. यू नो सक्सेस एक इट्स लाइक अ ड्रग एक नशा जैसा होता है. Let your kids taste success, you know, and let them taste failure also. जैसे अभी मेरी daughter's की exam, daughter की exam चल रही है, and she said, "Mummy, आप जा रही हैं इंदौर, how will I manage?" I said, "Sink or survive." Right? अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, and you're only dependent, be there for your children, पर उनको अपाहिज मत बनाओ. Right? So that is rule number one. Rule number two is, you know, rule number two is to explain to them that. There are consequences to everything. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ तो होना है राइट. एंड सेल्फ ड्रिवन बनाना एंड मे लाइक आई कैन आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू से दिस बट माई किड्स आर नॉट सेल्फ ड्रिवन इन थिंग्स दैट दे वॉन्ट टू डू एंड दे मे नॉट बी सेल्फ ड्रिवन इन वन पर्टिकुलर थिंग. पर जो चीज आपको अच्छी लगती है ना आप हमेशा अगर आप सोचो अगर कोई बच्चे को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है आप उसको कभी उसके पेरेंट्स को नहीं बोलना पड़ेगा कि जाओ फुटबॉल खेलो. सो यू ऑल्सो हैव टू एज अ पेरेंट वो चीज खोज निकालनी कि आपके बच्चे को किस चीज में जो किस चीज अच्छी लगती है और किस चीज में आपको उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा. अगर आप वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना तो काफी आसानी हो जाती है. और हर चीज में आप सोचो आप लास्ट जिम कब गए. आप रोज सुबह रोज रात को डिसाइड कर कल सुबह मैं जिम जाऊंगा. बट इफ जिम एंड वर्कआउट इज नॉट योर प्रायोरिटी आप बहाने मारते ही रहोगे. नहीं नहीं आज बहुत बारिश हो रही है. नहीं नहीं आज मैं कल रात को बहुत लेट सो मैंने कुछ खा लिया आई एम नॉट गोइंग. बट अगर जो चीज आपको अच्छी लगती है सपोजिंग यू लाइक गोइंग टू ऑफिस और यू लाइक गोइंग फॉर अ मूवी आप किसी भी तरह ना वो रास्ता ढूंढ लोगे. सो देयर इज नो सेल्फ ड्रिवन इन एवरीथिंग. लाइक आई एम नॉट सेल्फ ड्रिवन इन एवरीथिंग राइट. एक चीज में हो सकते हैं दो चीज में हो सकते हैं. लाइक
यू नो रैंडी ज़करबर्ग ने, जो मार्क ज़करबर्ग की बहन है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज बताई है कि पांच चीजें होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, वर्क एंड स्लीप. इन पांच चीजों में से आप कोई तीन चूज कर सकते हो, क्योंकि आप तीन ही फॉलो कर पाओगे. आप अपनी तीन क्या चूज करते हो? लाइक एग्जाम्पल, आई एम सेइंग दैट मुझे लाइक यू नो आई नीड माई 8 hours ऑफ स्लीप, आई नीड माई फैमिली एंड आई नीड टू वर्क. ओके, सो आई हैव चोजन माई थ्री. दूसरे दो में कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है. उसके लिए मुझे धक्का चाहिए. तो आपके बच्चों को धक्का क्यों नहीं चाहिए? पेरेंट्स के लिए भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझे, कौन सी चीज़ें बच्चों के सामने बिल्कुल ही ना कही जाए, बिल्कुल ही ना कही जाए. क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं, देखते हैं, और जो वो देखते हैं तो वही सीखते हैं. तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहें, कौन सी चीज़ बच्चों के सामने बिल्कुल ही नहीं की जानी चाहिए? जैसे हमने हमेशा सुना है दैट बच्चे का फर्स्ट टीचर इज द पेरेंट, राइट? अगर आप किसी भी को पूछो कि हु इज योर रोल मॉडल, दे विल ईदर से माय मदर और माय फादर, राइट? सो आई थिंक आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू. अगेन, ये डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या नॉन नेगोशिएबल्स हैं. जैसे इफ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी यू नो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड हेल्थ, तो आपको उसके सामने ऑब्वियसली जंक फूड नहीं खाना है. आपको उसके सामने यू नो यू डोंट हैव टू बी यू हैव टू बी प्लेइंग अ स्पोर्ट, यू हैव टू बी अप एंड एक्टिव. आपको उनके साथ लेटे नहीं रहना है. अगर आप टीवी देखेंगे, बच्चे टीवी देखेंगे, यू नो इफ दे सी यू अप एंड एक्टिव, इफ दे अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिटनेस इन योर लाइफ, दे विल यू नो. जैसे फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट किड्स आर प्लेइंग ऑल द टाइम, राइट? बिकॉज दैट इज you know that is what childhood is all about. So agar wo mere liye non negotiable hai, to I will stop doing that. So aap again define kijiye ki aapke family mein wo kya hai ki aap chahte hain ki aapke bacche zarur kare. Again, disrespect, you know, again that's a non negotiable for us. Ki I don't think parents ko kabhi bhi kisi bhi वर्ग के लोगों के साथ मिसबिहेव करना चाहिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे We are all human beings. अगर आप किसी को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, फिर कल उठ के बोलेंगे that, oh, you know, अरे बेटा तुमने पैर क्यों नहीं छुए? पर आपने भी तो नहीं छुए यार. आप भी उसी आंटी के बारे में पहले थोड़े टाइम के पहले रूम में बोल रहे थे, अरे वो आंटी फिर आ गई है, देखिए क्या हो रहा है. सो अंदर से रिस्पेक्ट नहीं आएगा. सो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग, अरे वो बच्चा बोलेगा कि मम्मी पर आपने ही तो बोला था आंटी आपको अच्छी नहीं लगती, मेरे को बेहतर. जस्ट होप कि वो बच्चा आपको आंटी के सामने ना बोल दे, बिकॉज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. बट आई एम सेइंग अगेन, यू नो जो आप यू नो व्हाट यू प्रीच एंड प्रैक्टिस हैज टू बी द सेम. सो मेक श्योर दैट दैट हैपेंस. एंड या एंड आई थिंक ऑल्सो एज पेरेंट्स यू नो हु बीन यू नो द अर्ली मिलेनियल्स लाइक वी कॉल देम, जिसका जन्म बिटवीन 80 to 87, 89 तक हुआ है, हम लोग लाइफ में ना बहुत फाइट मारी है हम लोग ने. सो वी आर वेरी सीरियस एंड वी आर लाइक पूरे टाइम यू नो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज दैट इज हमारे पेरेंट्स हमको ऐसे अपब्रिंगिंग ऐसी है. बट आई ऑल्सो फील कि हम लोग कहीं पे लाइफ को जीना भूल जाते हैं. वी एज पेरेंट्स स्टॉप बींग किड्स, राइट? हम बोलते हैं कि बच्चे नहीं अभी मैं 20 मिनट ये फोन पे बात करी, तुम 20 मिनट इधर बैठे रहो. अरे पर बच्चा 20 मिनट बैठ के करेगा क्या? अभी बच्चे के जीन्स में ही नहीं है बैठना. सो वाई आर यू एक्सपेक्टिंग आपको वो 20 मिनट बोलेगा बैठने के लिए? आप नहीं बैठ सकते, राइट? सो आई एम सेइंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो यू हैव फन. लाइक हम लोग एंड स्पेशली आई थिंक एज इंडियंस हम लोग लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं. लाइफ इज ऑल अबाउट फन एंड वर्क एंड प्ले एंड एवरीथिंग टूगेदर, राइट? सो आई थिंक कहीं कहीं पेरेंट बनने में हम अपने आप के बच्चे को भूल जाते हैं. आई थिंक पेरेंटिंग इज अ चांस टू लिव योर चाइल्डहुड अगेन. सो गो हैड एंड लिव दैट. एंड अगेन एनीबडी हु मेक्स यू फील, एनीबडी ऑन सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब जो आपको पर्याप्त नहीं बताता, यू नो डजेंट मेक यू फील कॉन्फिडेंट और एडिक्वेट अबाउट योर सेल्फ, उनको अभी जाके अनफॉलो कीजिए. बिकॉज फिर वो एंग्जाइटी वो स्ट्रेस आप अपने बच्चों को भी पास ऑन करेंगे. अच्छा देखो ये बच्चा ये कर रहा है, अरे तुम नहीं कर रहे हो, ट्रैक, यू नो दैट हैपेंस, राइट? सो आई वुड से डोंट डू दैट, राइट? बी सेल्फ अश्योर्ड. अगर आप सेल्फ अश्योर्ड एज अ पेरेंट रहेंगे, देन यू विल ऑलवेज रेज अ सेल्फ अश्योर्ड चाइल्ड.
आई एम श्योर जिद्दी टॉक्स में आज बहुत सारी चीज़ सीखने का मौका मिला. मैं जनरली पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ नहीं करता, लेकिन आज हमें मौका मिला कि हम इस तरह की कॉन्वर्सेशन करें और आपके लिए कुछ स्पेशल कॉन्टेंट क्रिएट करें. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच.